भोलेनाथ दोस्तों, 9:26, 9:26 AM, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा कल का पोजीशन था इसमें, इस कॉल में मैंने कल 11 रुपये में, बाई गॉड बोल रहा हूँ, 11 रुपये में बाई 2000 क्वांटिटी बाई की थी। लेकिन मुझे डर था कि भाई आज एक्सपायरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर का कॉल था, ये 1 अक्टूबर का कॉल था। कल मैंने 2000 क्वांटिटी बोल के बाई किया मेरे खास क्लाइंट लोगों को कि कल 22000 पहुँचेगा ही पहुँचेगा बैंक निफ्टी। तो कल ये 11 रुपये में मिल रहा था, आप देख सकते हो, मैंने 11 रुपये का कॉस्ट भी है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा 11 रुपये का कॉस्ट है, लेकिन मैंने सुबह ही बेच दिया इसको जल्दी में। अब इसमें मुझे लॉस कितना दिखा रहा मालूम है? लॉस दिखा रहा है 2000 क्वांटिटी बेचने का 75000। ये देखिए लॉस दिखा रहा है 2000 क्वांटिटी माइनस। कल मैंने 25000 की रिस्क ली थी इसमें, ठीक है, तो सुबह इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मेरा बिका 27 रुपये से, मतलब मैं डबल से ज़्यादा मैं बेचा हूँ, फिर भी दुख हो रहा है क्योंकि इसका हाई बन गया 82। आपको दिखा देता हूँ मेरे पोजीशन में भी, मैंने कल एक ही सौदा ये वाला लेके गया था मैं हिम्मत करके कि ये एक्सपायरी का, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आज वैसे दिखाना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा कल, ये कल का रेट का, क्या रेट का कैरी फॉरवर्ड क्वांटिटी आपको दिख रहा है 2000, क्या रेट में लिया हुआ है 11:35, आज बेचा 2000 को क्या रेट में 27 रुपया, और ये कल का क्या रेट में लिया हुआ है 275 क्वांटिटी 22000 का अक्टूबर का कॉल, ये भी सुबह बेच दिया। एक बार मैं सोचा कि वापस नीचे आएगा तो लूँगा, लेकिन इसका भी रेट 215 की जगह क्या हो गया 290 हो गया, मैंने 215 में बेच डाला सुबह सुबह, हालांकि मेरा 120 का था, ये 144 का भी नहीं था, ये तो कल की क्लोजिंग से प्राइस आ दिया यहाँ पे आ गया। तो मैंने आप लोग को बोला था मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, 22000 कल दिखाऊंगा, दिखा दिया। अब एक बार समझदार आदमी को प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा, या ट्रेलिंग करते रहिए अपना स्टॉप लॉस को, दैट्स इट। और आज मैं अभी 1 बजे तक एब्सेंट रहूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, स्कूल का काम है, कुछ अर्जेंट है, तो बच्चे के स्कूल के लिए जाना है।